नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मंगल और आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। आज हम माँ कूष्मांडा जी की पूजा की बात करेंगे। राशि अनुसार आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपने पूजा करनी है और क्या आपने अर्पित करना है जिससे माँ कूष्मांडा प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। नवरात्रि के दिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। वैसे तो देवी माँ के सारे ही रूप बड़े ही मनमोहक है, लेकिन माँ कूष्मांडा का जो स्वरूप है अत्यंत मनोरम है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कूष्मांडा जी मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए माँ कूष्मांडा जी की पूजा आराधना श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ में जरूर करें। आप यदि आपसे जीवन में गलती से भी कोई भूल चूक हो गई है तो उससे क्षमा याचना की प्राप्ति के लिए माँ कूष्मांडा जी की पूजा जरूर करें आप। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला, शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें आप। माँ को सूखे मेवे का भोग लगाएं, हल्दी केसर या फिर कुमकुम से माँ को तिलक लगाएं, इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। बात करेंगे वृष राशि की। दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में जरूर करें आप। किसी भी सुहागिन स्त्री को भोजन जरूर करवाएं, इससे आपके विवाह में विलंब दूर होगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। ओम क्रीम कूष्मांडये क्रीम ओम जाप करें आप। पंचमुखी रुद्राक्ष मां को अर्पित जरूर करें, इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। अपना ध्यान अनाहत चक्र में लगाएं आप। चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच का मां को अर्पित जरूर करें आप, इससे सिद्धि की प्राप्ति आपको होगी, आपके कार्य जरूर बनेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की। मां को कमल का फूल अर्पित करें, मां को रुद्राक्ष अर्पित करें, इससे आपके प्रेम में सफलता मिलेगी। बात करेंगे कन्या राशि की। मां को चांदी का टुकड़ा अर्पित करें, 1 इंच बाय 1 इंच का चांदी का टुकड़ा मां को अर्पित जरूर करें आप। मां को पंच मेवा अर्पित करें, इससे यश बल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बात करेंगे तुला राशि की। मां को सुहाग का समान अर्पित करें, मां को पंच अमृत से स्नान करवाएं, इससे रोग भय आपके दूर होंगे। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र से दिन में जाप करें। मां को कुमड़ा अर्पित जरूर करें, इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। बात करेंगे धनु राशि की। चौकी पर पीला वस्त्र जरूर बिछाएं, उस पर मां का यंत्र स्थापित करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में जरूर करें, इससे यश और बल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। मां को गंगा जल अर्पित करें, मां को कमल का फूल अर्पित करें, इससे आपके रोग दूर होंगे। बात करेंगे कुंभ राशि की। ओम क्रीम कूष्मांडये क्रीम ओम इस मंत्र का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें आप। मां की पूजा से सुख और समृद्धि का विकास होगा। बात करेंगे मीन राशि की। शिव की पूजा करें, मां को पीले फूल अर्पित करें, इससे अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। तो मां कूष्मांडा जी की पूजा आप सच्चे दिल से करें, श्रद्धा के साथ करें, भक्ति भाव से करें, और यदि संभव हो तो रात को जागरण जरूर करें,
ऐसा करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।